कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग भी सैमसंग का नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो 30,000 रुपये से कम के प्राइस में, जिसमें बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ बेस्ट कैमरा सेटअप भी आता हो, तो आज के टॉप 3 सैमसंग स्मार्टफोन की वीडियो को आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू। लोग भी ऑफलाइन मार्केट यानी मोबाइल शॉप से स्मार्टफोन लेना पसंद करते हो और लेना चाहते हो सैमसंग का नया 8 GB रैम वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन, वो भी 30,000 रुपये से कम के प्राइस में, तो थर्ड नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी A52। गैलेक्सी के A52 को 27,999 रुपये के प्राइस में 8 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। गैलेक्सी के A52 का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका कैमरा सेटअप। 64 MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें 10x डिजिटल जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी के 3 कैमरे 12+5+5 MP के मिल जाते हैं विथ LED फ्लैश लाइट के साथ। वही सेल्फी के लिए 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही गैलेक्सी के A52 में एक बहुत बड़ा एडवांटेज देखने को मिल जाता है कि आप लोगों को कैमरे के फ्रंट और बैक दोनों में 4K वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एक अच्छे कैमरा सेटअप के साथ साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 27,000 रुपये के प्राइस में आप लोगों को एक अच्छे कैमरा सेटअप के साथ साथ एक अच्छा गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 6.5 इंच की फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और गेमिंग के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले में 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो 4500 mAh की एक बैटरी मिल जाती है। 25W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही गैलेक्सी के A52 का एक और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप लोगों को सिक्योरिटी फीचर के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत कम स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। आप लोग भी सैमसंग का कोई ऐसा ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो जिसको लॉन्ग टाइम तक काफी अच्छे से यूज कर सके, मतलब 5G नेटवर्क का सपोर्ट देखने को मिल जाए, तो सेकेंड नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी M52 5G। गैलेक्सी के M52 5G को 26,999 रुपये के प्राइस में 6 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। गैलेक्सी के M52 5G के काफी सारे एडवांटेज देखने को मिल जाते हैं, पर पहला एडवांटेज है इसका पावरफुल 5G गेमिंग प्रोसेसर। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 27,000 रुपये के प्राइस को देखते हुए आप लोगों को गेमिंग के मामले में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। एक अच्छे गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ 6.7 इंच की सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और गेमिंग के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज में आप लोगों को गैलेक्सी के M52 5G में एक अच्छे गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। गैलेक्सी के M52 5G में बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। 64 MP का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के 2 कैमरे 12+5 MP के मिल जाते हैं विथ LED फ्लैश लाइट के साथ। वही फोन के बैक कैमरे में आप लोग 4K वीडियो भी आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही गैलेक्सी के M52 5G में 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, 25W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर गैलेक्सी के M52 5G में सिक्योरिटी फीचर के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता, सिर्फ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। लोग भी ऑफलाइन मार्केट यानी मोबाइल शॉप से सैमसंग का कोई ऐसा ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो जो गेमिंग और परफॉर्मेंस दोनों के मामले में वन ऑफ द बेस्ट हो, तो फर्स्ट नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी A52S 5G। गैलेक्सी के A52S 5G को 29,999 रुपये के प्राइस में 6 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। गैलेक्सी का A52s पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसमें पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ फ्रंट और बैक दोनों में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। गैलेक्सी की A52s 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का एक पावरफुल 5G गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एक अच्छे गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ 6.5 इंच की फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और गेमिंग के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। वही गैलेक्सी के A52s 5G
अपाची का। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज इसका फ्रंट और बैक का कैमरा सेटअप। 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसमें 10x डिजिटल जूम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी के तीन कैमरे 12+5+5 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद एलईडी फ्लैश लाइट के साथ। वही फोन के बैक कैमरे से आप लोग 4K वीडियो भी आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और गैलेक्सी के A52s 5G में सेल्फी में भी आप लोग 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि गैलेक्सी के A52s 5G का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एक अच्छे कैमरा सेटअप और एक अच्छे गेमिंग प्रोसेसर के साथ साथ 4500 mAh की एक बैटरी मिल जाती है। 25W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और सिक्योरिटी फीचर के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है गैलेक्सी के A52s, जो कि गैलेक्सी के M52 5G में आप लोगों को सिर्फ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, पर गैलेक्सी के A52s 5G में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि 30,000 रुपए की प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है गैलेक्सी का A52s 5G।